ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लव टैरो रीडिंग लेकर आए हैं जो कि स्टार्ट होगी 13 से। सो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जो है अगले 7 दिन के लिए होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, लव ओरेकल से मैसेजेस निकालेंगे, गाइडेंस एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी उस पर्टिकुलर साइन की। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसे जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जिन जिन लोगों ने आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। सो आप लोग प्लीज़ मेरी रीडिंग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और जो लोग अब तक हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और ये जो रीडिंग है, ये सन एंड मून साइन से अकॉर्डिंग है। सो जितनी रेजोनेट करे उतनी ही लीजिएगा, कुछ भी अपने ऊपर ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, जल्दी से अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लियो राशि यानी के सिंह राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि आप किस एनर्जी में हैं, इस लव रिलेशनशिप में आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो क्या चल रहा है आपके दिमाग में फ़िलहाल के लिए। सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे लियो, आपकी एनर्जीज बहुत अलग लग रही हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत, एक तो आप पास्ट की बातों में बहुत अटके रहते हैं, क्यों ऐसा मुझे नहीं पता क्यों, पास्ट की चीज़ों को ही सोचे जा रहे हैं बार बार, उन्हीं तजुर्बों को, उन्हीं बातों को बार बार अपने दिमाग में मतलब फिट करके बैठे हुए हैं। और शायद वही चीज़ें आपको बहुत पेन भी दे रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी दे रही हैं। सो आपको उन चीज़ों से कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे या उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस देते रहेंगे तो सही नहीं होगा। आपके मन में बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप को लेके एक अंडरस्टैंडिंग। सो बेटर यही रहेगा कि आप इतना ज़्यादा चीज़ों पे स्ट्रेस ना लें। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही पॉइज्ड पर्सन हैं, बहुत ही समझदार इंसान हैं, जो रिलेशनशिप में बहुत दिमाग से चलकर अच्छे से चीज़ों को करते हैं। लेकिन समवेयर अभी आप ऐसा सा हो गया है कि आप ऐसा मन बना रहे हैं कि मैं गिव अप कर दूँ, मैं निकल जाऊँ, मैं छोड़ दूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं अब अपना एफर्ट दूँ भी कि नहीं दूँ, मतलब इस तरह की मुझे आप कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं। समवेयर आप मतलब ऐसा नहीं नज़र आ रहा मुझे कि नहीं, मुझे तो बस चाहे कुछ भी हो निभानी है, वैसा नहीं दिख रहा। ऐसा दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि बस मैं अब निकल जाता हूँ, या ऐसा बन नहीं रहा, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं तभी तो आपको ऐसा लग रहा है, वरना तो आपको भी ऐसा नहीं लगता। सो यही चीज़ों में मुझे आप अगले एक हफ्ते में नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप शायद थोड़ा सा कश्मकश में आए और यही सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस लव रिलेशनशिप को लेके। सो लियो राशि के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोचते हैं। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसलिए शायद कश्मकश में हैं, या तो आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग एंड फ्रॉड किया है, ये कोई बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेशन की है, कुछ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और मतलब आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ,
इसी वजह से हुआ शायद, कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर ही मुझे लग रहा है जो अब मुझे समझ में आ रही है, उनके कार्ड्स देख के मुझे जो बात समझ आई है। देखो बहुत क्लियर है कि या तो इन्होंने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त मैनिपुलेशन खेली है, तभी आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे, तभी आप निकलने के बारे में सोच रहे थे, वरना आप ऐसे नहीं लग रहे थे, आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं थी। और अब ये अपनी तरफ से गलतियां करने के बाद अब ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अभी इन्हें लगता है चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ों में दोबारा से क्लैरिटी आ जाए, चीज़ें दोबारा से संभल जाएं, इनकी कुछ ऐसी दिख रही है चीज़ें, ये खुद को संभालना चाहते हैं। इनफैक्ट कुछ डिसलॉयल्टी दिखाई है इन्होंने, कुछ ईमानदारी में कमी आई है, तभी शायद अभी इन्हें लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाऊं, अपनी तरफ से पैशन दिखाऊं। सो अगर कोई छोटी मोटी बात है जो इतनी बड़ी बढ़ाई नहीं जा सकती लियो, सो आप इन्हें माफ़ कर दें, इनकी इस चालाकी को या बेवकूफ़ी को आप भी ना बढ़ाएं, क्योंकि बात को तो जितना बढ़ा लो उतनी बढ़ जाती है ना। बट ये आपसे कहीं ना कहीं अगर चुप हैं तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे अगले एक हफ्ते में, और दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे या ठीक करने की कोशिश करेंगे, यही दिख रहा है। आइए लव ओरेकल से मैसेजेस देखते हैं, क्या गाइडेंस है, लव ओरेकल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। सो लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स, तो ज़िंदगी क्या है, एक साइकिल्स बने हुए हैं, छोटे 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 पड़ाव हैं ज़िंदगी में बहुत सारे। सो एक पड़ाव जाता है तो दूसरा आता है, सो जो भी पड़ाव आ रहा है ज़िंदगी का उसे एक्सेप्ट करें, रिजिस्ट करें चेंजेस को, मत करें, सॉरी डोंट रिजिस्ट, रिजिस्ट मतलब आप अलग फोर्स ना लगाएं, जो लाइफ में गो विद द फ्लो करें, ठीक है, वक्त की धारा के साथ बहते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और अगला है पैशन, सो अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, तो एक मैग्नेटिक पुल है एक आपके आसपास, उसे पहचाने और उसको इंजॉय करें अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये है लव गाइडेंस आपके लिए, आइए देखते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। सो लियो राशि के लिए डिवाइन गाइडेंस निकालते हैं। सो लियो यू आर रेडी, आप तैयार हैं, अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा लटका रखा था तो अब आप उस चीज के लिए डिवाइन कहते हैं आप तैयार हैं। लुक फॉर अ साइन, तो कोई आपको लग रहा था साइन नहीं मिल रहा, क्या पता ये रीडिंग ही एक साइन हो कि आप तैयार हैं, आप रेडी हैं, ठीक है। सो लुक फॉर अ साइन, और यही आपका साइन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज नॉट द राइट टाइम, सो नॉट द राइट टाइम फॉर, कोई अगर आपके मन में सवाल है, आप सोच रहे हैं कि उसके लिए सुनाओ, उस चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल आप जो करने के बारे में पूरी तरह प्लान बना रहे हैं उसके लिए तो आप तैयार हैं, बट हाँ कोई अगर आप ये सोच रहे हैं, कोई चीज़ तोड़ने की सोच रहे हैं ना, तो वो चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है। ठीक करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं, उसके लिए अभी राइट टाइम है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये है आपकी रीडिंग, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी फ्रेंड्स, सो बाय फॉर नाउ।